गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप अपने जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके कोटक बैंक में, आप उनको विदड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो वो आप निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि कोटक बैंक ऐप में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है विदड्रॉल का, तो उसको कैसे निकालें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो कुछ स्टेप्स उनको फॉलो करना जिससे आप आसानी से निकाल पाओगे उनको। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर आप उनको निकालना चाहते हो तो आपको उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनको बताना है कि आप इन बैलेंस को निकालना चाहते हो। तो आपको उनको दो तरीके उनको कॉन्टैक्ट करने के, या फिर उनको कॉल करें या फिर मेल करें। तो मेल वाला तरीका बताऊंगा, उसको अप्लाई करना है, उसके बाद वो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे कोटक बैंक सपोर्ट। तो यहाँ पे कोटक बैंक सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें उनका ईमेल एड्रेस ढूंढना है। कौन से ईमेल एड्रेस पे उनको मेल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ईमेल दिखेंगे। तो हमारी ये प्रॉब्लम है रिलेटेड ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के, तो हमारे उसमें प्रॉब्लम आ रही है कोटक बैंक में, तो ऐप में ट्रांजेक्शन करते वक्त। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कस्टमर फर्स्ट एट द रेट कोटक डॉट कॉम ये ईमेल मिला आएगा हमें, तो इस मेल को कॉपी कर लेना और सीधे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने जीमेल ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, जीमेल ऐप में सॉरी। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं इस ऐप में वो लिख देनी है, कौन सी प्रॉब्लम है वो हम फेस कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए सब्जेक्ट वाले सेक्शन पे। उसके बाद कंपोज ईमेल में आना है। कंपोज ईमेल में आने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल देनी है, जैसे जिस अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस अकाउंट का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर जो उस अकाउंट में लिंक है, उस अकाउंट के ईमेल लिंक है, ये सब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है और अदर इन्फॉर्मेशन भी लिख देनी है। और इसके बाद क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में ब्रीफ में बताना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, ये सब स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कब से प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम है। और ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है और उसको इस ईमेल में अटैच कर देना है। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद इस मेल को सेंड कर देना है। जैसे हम मेल को सेंड करेंगे उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनकी टीम का रिप्लाई आएगा और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या फिर वो एक सॉल्यूशन बता देंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।